मेले में हम लोग मौजूद है। मौत का कुआं आपने नहीं देखा होगा, जो नई जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा होगा। बाइक चलाते हैं और रिस्क लेकर चलाते हैं। सरफराज, ये कितने सालों से चला रहे हो? 20 साल से। कभी चोट नहीं लगी? कभी भी नहीं आई, अल्लाह ना करे। 14 साल से मौत के कुएं पर बाइक चला रहे हो, कभी नुकसान हुआ? ट्रेनिंग ली है तो चला रहे हैं ना भाई। बड़ा अच्छा लगे, और इस तरह के जो है सारे ये मामला सारे होने चाहिए, ताकि लोग हैं, क्योंकि हर तरह के बजट यहाँ पे जो है अच्छी टिकट से इकोनॉमिकल, और आप हर तरह के एंजॉय कर सकते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। मेले में हम लोग मौजूद है। मौत का कुआं आपने नहीं देखा होगा, शायद कुछ लोगों ने देखा हो, जो नई जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा होगा। बाइक चलाते हैं और रिस्क लेकर चलाते हैं। अंदर जाकर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस खातून से पहले बात करेंगे, इन्होंने देखा है। मेले में आप आए हैं? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है, कैसा कल्चर है हमारा? नहीं, माशाल्लाह। सबसे पहले तो हमारा आने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे हंजर जो बाबा पीर हैं, हम उनको सलाम पेश किया है। फिर मेरी अट्रैक्शन ये थी कि मैं मौत का कुआं ये ज़रूर मैं देखूँ, क्योंकि मुझे बचपन की ये मेमोरी थी, और मैं हैरान हो गई हूँ, एकदम रिकॉल हुई है कि माशाल्लाह इनका कितना टैलेंट है और कितना ये बहादुर लोग हैं जो हम लोगों को इतना एंटरटेन करवा रहे हैं। मैं इनको सलूट करती हूँ। ये चीज़ें हम बचपन में देखते थे, हम भी छोटे थे और मेलों में जाते थे, लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ये तो मैं हैरान हूँ कि ये यहाँ पे मेला लगा है, और वो पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन में करते थे, हमारे बड़े जाते थे, आज भी ये रवायत जिंदा रखी हुई है। बिल्कुल, और स्पेशली जब मैंने यहाँ पे टॉयज देखे हैं ना, जो इस किस्म के टॉयज हम बचपन में देखते थे, जो दोबारा से यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं और बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेज हैं, बहरहाल पूरी एंटरटेनमेंट का पूरा यहाँ पे पूरा उनका अरेंजमेंट है, और बड़ा अच्छा लगे। और इस तरह के जो है सारे ये मामला सारे होने चाहिए, ताकि लोग हैं, क्योंकि हर तरह के बजट यहाँ पे जो है अच्छी टिकट से इकोनॉमिकल, और आप हर तरह के एंजॉय कर सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग से गुजर रहे थे, रिकॉर्डिंग हमारा ज़्यादातर क्राइम को लेकर रिकॉर्डिंग्स होती है, तो हमने दूर से देखा मेला लगा हुआ है, तो क्यों ना मौत का कुआं आपको दिखाया जाए। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो जो राइडर्स हैं बाइक पर सवार होकर वो अपने खेल का मुजाहरा पेश करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मैं एक मेले में मौजूद हूं, और अभी यहां पर बाइक के ऊपर मुजाहरा किया जाएगा, जिसको हम पंजाबी जुबान में मेले में मौत का कुआं कहते हैं, यानी कि मौत का कुआं। इस बाइक पर वो लोग बैठेंगे जो राइडर है, और इस बाइक को फिर घुमाएंगे यहाँ से। ये सारा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उन राइडर से भी बात करेंगे जो यहाँ पर ये चलाएंगे। ये आ गया चलाने वाला, इधर लेकर आओ। ये अभी चलाएंगे मेरे भाई। आपका नाम क्या है? सरफराज। सरफराज, ये कितने सालों से चला रहे हो? 20 साल। 20 साल से। कभी चोट नहीं लगी? कभी भी नहीं आई, अल्लाह ना करे। कभी भी नहीं। ट्रेन हो गए हो? हाथ छोड़ के भी चलाते जी? अभी आप चलाओगे? हाँ जी, हाँ जी। अभी ये चलाएंगे बाइक, ऐसे घुमाएंगे इसके ऊपर, और एक और भाई है उसके पास भी चलते हैं। आप भी चलाते हो सर? जी सर। कितने साल से? मैं 14 साल हो गए। 14 साल से मौत के कुएं पर बाइक चला रहे हो, कभी नुकसान हुआ? ट्रेनिंग ली है तो चला रहे हैं ना भाई। ट्रेनिंग ली है तो चला। जी। ट्रेनिंग के बगैर नहीं होता? नहीं, ऐसे नहीं होता, ट्रेनिंग बगैर नहीं होता। ट्रेनिंग के बगैर नहीं होता? नहीं जी। कितने अर्से की ट्रेनिंग है? 1 साल की। 1 साल की ट्रेनिंग है? 1 साल सीखना पड़ेगा? हाँ जी, 1 साल सीखना पड़ता है। अभी ये स्टार्ट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे, फिर इनसे दोबारा बात करेंगे।
ये जवान मौजूद हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, मेला हम बचपन में ये चीज़ें देखते थे, सर कटा इंसान, फला धड़न जानवर का, सिर इंसान का, मौत का खूह, ये चीज़ें अभी भी हैं लेकिन उस पैमाने पर नहीं है जो पहले होती थी। सर जी ने जो पहले था लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं है, लेकिन ये पहले से कम होता जा रहा है, लेकिन बहुत, यानी कि ना जो चीज़ पहले देखने में आती थी ना वो अब नहीं है। वो नहीं है, वो बिल्कुल, वो कबड्डी होती थी, मुकाबला होता था, कुश्ती होती थी, वो तानसाजी होती थी, खुद काफ़ी दोस्त महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं है। इसकी वजह क्या है सर? इंतजामिया का सारा सिस्टम है, देखें वो डोम इंटरनेशनल सर्कस का लिखा है, जहाँ पे प्रोफेशनल लकी रानी सर्कस होता है, जानवर आते हैं, बब्बर शेर वगैरह आता है, वो करतब करके दिखाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे देख नहीं था, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं था, जो कि हमारे पिछले माशरे में बहुत कुछ यहाँ पे निज़ाम में था, क्योंकि हम यहाँ से मंसूरा से अंजरवाल से यहीं पे रहने वाले हैं, पुराने पहले जो मेले लगते थे वो नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, बिल्कुल बोर है यहाँ पे, है ना, सारा डिसिप्लिन है ना इंतज़ामिया के हाथ में होता है, कि जो कि उन्होंने ना इस बार इतना ना नहीं किया। यहाँ पे MPA है, मलक करामत फोकर है, मलक नदीम बारा है, लेकिन इनको चाहिए था कि यहाँ पे ना बहुत अच्छा यहाँ डिसिप्लिन करना चाहिए था। ये हालात है जी, मजीद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं।